लेट उठने के बाद भी अपनी गलती ना मानते हुए मैं माता रानी के दर्शन के लिए चश्मा लगाने के बाद मैं अपनी गंदी शक्ल को देख के थोड़ा डांसर वाली फीलिंग कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मैं अपने कार्य को पूर्ण करता हूँ। उसके बाद मैं अमीरों वाली फीलिंग लाने के लिए मैं भी थोड़ा योगासन कर ही लेता हूँ। थोड़ा अनुलोम विलोम करने के बाद मैं सांस ऊपर और नीचे छोड़ने के बाद मैं थोड़ा प्राणायाम पे ध्यान देता हूँ। नमस्कार करते हुए भगवान को आशीर्वाद ले ही लेता हूँ। बॉडी को शेप में लाने के लिए थोड़ा डिप्स वगैरह भी कर ही लेता हूँ। अमीरों के चौचलों को ध्यान में रखते हुए मैं मेरा फ्रिज खोलता हूँ और उसमें से दूध निकालता हूँ और सीधा चल देता हूँ रसोई की तरफ। गैस जलाया और उस पर भगोना रखा, दूध डाला और क्या, आज वक्त नहीं था इसीलिए कॉफ़ी बना लिया। अरे शक्कर तो भूल गया, शक्कर भी डाल दो भाई, नहीं तो अभी भूल जाते, पीती पीनी पड़ती। ये क्या, अरे ये तो नीचे गिरने लग गई। चलो बंद करते हैं इसको और लगा देते हैं अपना कप, बड़े कप को लेते हो। अरे ये तो गिर गया यार, ये क्या कर दिया। डोड़ा पोड़ा करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने कर्म कर्तव्यों को पालन करते हुए अपने निष्ठापूर्वक कार्य को संपूर्ण करने की तैयारी में जुट जाता हूँ। और इसी के बाद मैं चला लेता हूँ, पानी बरसा लेता हूँ। ये क्या, गाय माता आ गई। हेलो, वक्त की कमी के कारण मैं जल्दी जल्दी कपड़े लेके चल देता हूँ। माता का आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन दीपक करना बहुत ज़रूरी होता है। टिकटॉक की तरह जूते पहनने के स्टाइल के बाद मैं अपना लॉक लगाता हूँ और निकल जाता हूँ घर की तरफ। वक्त के कारण भूल जाता हूँ, लेकिन सूर्य नमस्कार करना ज़रूरी होता है, इसीलिए सूर्य नमस्कार को करते हुए उसके बाद में मैं निकल जाता हूँ अपनी बाइक के पास और ये रज्जों को उठा के सीधा निकल लेता हूँ मैं अपने सफ़र की ओर। और ये सुहाना सफ़र क्या मौसम का बुद्ध उठाते हुए मैं चल देता हूँ। भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं मंदिर में आ जाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, शिवलिंग के दर्शन करता हूँ और शिव जी का आशीर्वाद लेता हूँ और पार्वती जी का और गजानन जी का आशीर्वाद ले लेता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा शिवलिंग पे जल भी चढ़ा देता हूँ। जल चढ़ाने के बाद में मैं थोड़ा सा जल ले लेता हूँ जो आशीर्वाद के स्वरूप शिव जी मुझे दे रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं शिव जी के पास से निकलने के बाद में देखता हूँ ये क्या, फाटक बंद रहती है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद में आखिरकार ये मोहतरमा आ जाती है जिसे हम पदगामी कहते हैं। इनके निकलने के बाद आप सांस में सांस आई ये फाटक खुलती है और ये हमारे फ्रेंड मनीष भाई और ये काफ़ी बातें करने के बाद में अपना हेलमेट लगा के और कर्तव्य पूर्ण निकल जाते हैं। निकलने बाद में वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ पे हमारा एक और फ्रेंड मिल जाता है हमें, उसके पास रुक। तब तक मुझे याद आ जाता है हाँ मुझे बैंक जाना था आज, लेकिन बैंक में जाने से बहुत टाइम लगेगा इसीलिए मैं शॉर्टकट अपनाते हुए ये ई मित्र की दुकान पे आ जाता हूँ। वक्त की बचत के साथ साथ ये काम भी जल्दी हो जाता है। फटाफट से ये स्लिप भरी, इनको पैसे पकड़ाए, इन्होंने बोला 10 मिनट के अंदर अंदर वापस जमा हो जाएंगे, तो इनकी बात मानते हुए मैं आगे की तरफ निकल जाता हूँ। रोड देखता हूँ, यहाँ पास में कहीं आग लगी हुई रहती है। रज्जो भी कुछ खाने के लिए मांग रही थी इसलिए मैं उसको खाने के लिए पेट्रोल डलवा लेता हूँ और भैया के पास में आता हूँ, 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लेता हूँ। काफ़ी टाइम लग जाता है, इनके पास कस्टमर भी बहुत होते हैं। फिर मेरा नंबर आ जाता है और ये मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। मीटर के सामने देखता हूँ सब सही चल रहा होता है। भैया से पूछने के बाद में उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हो गया भाई, हो गया। उसके बाद मैं आगे निकल जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे रोड का कार्य चल रहा है। इन भैया को अपनी एक दुकान को तैयार करवाना था, इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य पूर्ण करवाना था इनको, इनसे मिलता हूँ मैं। उसके बाद में हमारे फ्रेंड मिल जाते हैं मनु भाई, हाथ मिलाने के बाद में हमारी डील डन हो जाती है जिससे मैं पैसे गिनता हूँ और इनका कार्य कल से चालू करवाने की कसम खाने के बाद में पैसे लेता हूँ और मैं सीधा निकल जाता हूँ अपनी आगे की साइड पे, जहाँ काफ़ी पुरानी साइड है मेरी, वो अभी चालू है, रनिंग में है। तो मैं वहाँ निकल जाता हूँ और देखता हूँ कच्चे रास्ते से होते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ जहाँ मुझे ये दो प्यारे से बच्चे मिल जाते हैं। साइड पे पहुँचता हूँ तो लक्ष्मण भाई मेरे को हाय करके बोलते हैं और कब आए कब नहीं, और ये भैया वाह क्या स्माइल है, लगता है आज ही मंजन करके आए। और साइड का काम कम्प्लीट करते हुए देखते हुए देखता हूँ कि कब तक ये कार्य वापस चालू हो सकता है, लेकिन ये अभी तो काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि इसमें टाइल्स का काम चल रहा है। जैसे कि रसोई को देख रहे हैं, रसोई में भी काफ़ी अच्छी और सुंदर टाइल लगा दी है हमने। रूम की तरफ देखते हैं, अरे भाई रूम देखो ये, अरे भाई गाड़ी कौन रखता है यार यहाँ पे, अंदर की तरफ, बाहर रखिए गाड़ी। ये सब देखते हुए
मैं भी देख लेता हूँ, फिर इनके साथ में चाय पीने का टाइम निकालते हुए इनके साथ चाय भी पी लेता हूँ। और ये क्या, ये मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? लेकिन ये मेरे सपनों की रानी नहीं, मेरे सपनों की रानी थार है। साइड से थोड़ी दूर हम इन दीदी की शॉप पे आ जाते हैं जहाँ पे हम दूध लेने के लिए आए हैं। काफ़ी इनसे बातचीत करने पे अच्छा लगा। ये 10th क्लास में पढ़ते हैं और इनकी उम्र 16 साल है। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की और हमें दूध की थैली पकड़ा दी। इसके बाद में हम निकल जाते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं सीधा घर पे। पांडा आ रहा है, दांत निकाल रही है। से अपने कार्य को संपूर्ण तरीके से पूर्ण करते हुए पापा जी और ये मेरा भाई जो गेम खेल रहा है, गेम के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। और मैंने देखा जब ये गेम में काफ़ी स्पीड बना चुका है ये भी, जब इन भाई साहब को पता चला मेरे हाथ में कैमरा है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे पीठ दिखा दी गद्दा। फिर शांति से बैठ के खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ खाना। और ये क्या, मोटी खाना ले ही आई, खाने के साथ में पानी की बोतल, और गुदगुदाते हुए अपने ही अंदर फिर से बैठ गए। थोड़ी देर में भैया अरे ये क्या लड़ाई करने लग गए। काफ़ी लड़ाई करने के बाद एक योद्धा होता है जिसे हम बाहुबली कहते हैं, और बाहुबली कौन होगा? और ये क्या, मोटी जीत गई, और जीतने के बाद में अपने ही हर्षोल्लास से स्वागत, यस जीत गए हम, और जीत गई ये दो ट्रॉफी जीतने की खुशी में। काफ़ी पढ़ाई करने के बाद में बच्ची थक गई। फिर घर से निकलने के बाद में मैं आता हूँ बंटी भैया की शॉप पे, जहाँ पे आईने में देखता हूँ मैं काफ़ी स्मार्ट दिख रहा हूँ। और ये बंटी भाई मेरे आते ही चाय लेके आ जाते हैं, दोनों साथ में चाय पी लेते हैं। फिर चाय पीते पीते कुछ दिमाग में आता है, फिर मैं गाड़ी उठाता हूँ और मेरे दोस्त प्रिय दोस्त मदन को लेने के लिए निकल जाता हूँ। ये मेरी नई बाइक है जो कि मैंने मेरे भाई के लिए ली है। और उसको उठाते ही सीधा निकल जाते हैं हम, पहुंच जाते हैं स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे हम हमारे लिए जो चाहिए वो शॉपिंग करने के लिए हम आ जाते हैं। ये हमारे प्यारे मित्र मदन भाई, और ये जो हमारे को दिखा रहे हैं शॉपकीपर, इनका नाम भी खुशहाल कुमावत है, ये भी मेरी नाम और राशि के ही हैं। मुझे चाहिए था एक पावर बैंक। पावर बैंक देखने के बाद में ये क्या, अरे वाह नॉइस की स्मार्ट वॉच। बट अभी इतना बजट है नहीं, लोएस्ट बजट के आधार पर हम यहाँ निकल चुके थे, लेकिन मुझे सिर्फ पावर बैंक ही चाहिए था। छोले कुलचे की छोटी सी पार्टी करते हुए हम मॉल को देखते हैं। मॉल को देखने के बाद में मुझे याद आता है मुझे एक साइड विजिट करने के लिए जाना है, जहाँ मैं निकल जाता हूँ साइड विजिट के लिए। और ये हम पहुँच गए साइड विजिट पे। साइड के अंदर चलते हैं, अंदर देखता हूँ तो यहाँ जय श्री राम, राम जी का मंदिर है। हम इनका दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद में हम पूरी साइड का विजिट करते हैं। जय श्री राम, जय हो कान्हा जी की। और ये काफ़ी भव्य और सुंदर मंदिर बनाया है इन्होंने मकान के अंदर, इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है इनका। देखते हैं सब कुछ तैयार हो चुका है इसके अंदर, पंखे भी रेडी है, लाइटिंग रेडी है, फर्नीचर का काम चल रहा है इसके अंदर। Thank you.